मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, बिहार में राजनीतिक हलचल बहुत ज़्यादा है, सदन भी चालू है और उसके बाद मुकेश सहनी को लेकर राजनीति में हलचल तेज़ हो गई है। बहुत सारे मामले हैं। आज मुकेश सहनी ने कहा कि जो हम पर्दे के पीछे हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेगा, हम उस पर्दे में आग लगा देंगे। अब सीधा वहाँ से निकल कर पहुँचे हैं मुकेश सहनी पारस हॉस्पिटल और मुलाकात कर रहे हैं हिना साहेब के बेटे सैयद साहबुद्दीन, स्वर्गीय सैयद साहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहेब से। क्या बातें हो रही हैं, पहले ये वीडियो देखिए। हम लोग तो आए थे, प्रचार किए थे, पार्टी का हर जगह वर्कर थे। अरे हम लोग का वर्कर था सर, दरिया किनारे। हाँ तो आपने देखा कि किस तरह से मुकेश सहनी मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हिना साहिब की तबीयत ख़राब है, वो पारस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हमने आपको सुबह में बताया था और दिखाया भी था कि किस तरह तेजस्वी यादव कल रात ही अपने लॉ लश्कर के साथ, एक दर्जन से ज़्यादा विधायकों के साथ वहां पहुंचे थे और ओसामा साहिब से लगभग उनकी आधा घंटे से ज़्यादा की मुलाकात वहां पर हुई थी, जो विजुअल हमने आपको दिखाया था। अब मुकेश सहनी जो वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुँच चुके हैं। हिना साहिब की तबीयत ख़राब है, उनका हालचाल लेने उनके बेटे ओसामा साहिब से, और उनके आसपास में आप लोग देख सकते हैं जो बैठे हुए हैं ओसामा साहब के साथ, मुकेश सहनी के साथ। मुकेश सहनी जिन्होंने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है तीन चार दिनों से, जब से वो यूपी गए थे, यूपी में उन्हें योगी सरकार ने एयरपोर्ट पे ही रोक लिया और कहा, ऐसा जा रहा है कि उन्हें बाथरूम में कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था। अब उसके बाद वो दिल्ली कोलकाता होकर पटना लैंड करते हैं और लैंड करते के साथ कहते हैं योगी जी ने जो किया वो सही नहीं किया, क्योंकि मोदी जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं बट योगी जी ने कुछ नहीं किया। दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा हलचल होगा बट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ बातें ज़्यादा खास करते नहीं। आज कल एक विधायक ने कहा था कि एनडीए की बैठक, विधायक दल की बैठक में शामिल होना चाहिए था उन्हें, उन्होंने शामिल नहीं होकर सही नहीं किया। उसके बाद मुकेश सहनी आज तैश में आते हैं और कहते हैं कि जो जिस पर्दे के पीछे हमारी पार्टी की तोड़ने की कोशिश की जाएगी वो पर्दा जला देंगे हम। ये जो उनका भाषण है, ये जो वक्त ये जो उन्होंने कहा है, जिस भी लहजे में कहा हो, मगर चेतावनी पक्ष को है, विपक्ष को है। आप ज़्यादा समझदार हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि विपक्ष अभी दूरी बनाए हुए है मुकेश सहनी से, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि क्या चल रहा है। मुकेश सहनी जो खुद इलेक्शन हार गए थे मगर MLC बनने के बाद वो अभी मंत्री हैं और आज ओसामा साहेब से मिलने पहुँचे स्वर्गीय सैयद साहबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा साहेब। पारस हॉस्पिटल में उनकी माँ हिना साहेब का इलाज चल रहा है, वह वहाँ हैं और उसी दौरान पहुँचे मुकेश सहनी। मुलाकात चल रही है दोनों के बीच में। आप अपनी राय नीचे लिखें और जुड़े रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।